अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी आलू के पराठों की रेसिपी। बारिश का सीज़न चल रहा है और हर तरफ पकौड़े और आलू के पराठों की फरमाइश चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ आलू के पराठों की रेसिपी शेयर की जाए। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आलू के पराठों के लिए सबसे पहले हम उसकी आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद आलू ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया और उसका छिलका मैंने अलग कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मैश करूँगी इन आलूओं को। अच्छा, अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगी, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ जीरा 1 टी स्पून, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक हसबे जायका और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है पिसी हुई मिर्चें। अब ये स्पाइसेस सारी हमारे आलूओं में जाएंगी। यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज ले ली, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, और 1 बड़ी हरी मिर्च ले ली थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया है। इन सब चॉप की हुई चीज़ों को भी हम अपने आलू में शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी पोटैटो स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, जो हम पराठों के अंदर भरेंगे। अब हम अपनी पराठे की डो तैयार करेंगे। नॉर्मली आटा गूंदेंगे उसके लिए हम। यहाँ मैंने पराठों की डो के लिए सबसे पहले 1 बाउल आटा ले लिया है। जो भी आटा आप यूज़ करते हैं आप इधर वो ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, हसबे जायका नमक, और थोड़ा सा ऑयल यहाँ शामिल करूँगी मैं 1 से 2 चम्मच, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप आटा गूंदे पानी से, तो पानी को ठंडा ना लें, नीम गरम लें, ताकि इससे आपका आटा बहुत अच्छी तरह से गूंदता है, उसकी डो बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ हमारी आटे की डो बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि हमारे आटे की डो अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। पहले हम अपनी आटे से इसके पेड़े बनाएंगे। जितने पराठे आपको चाहिए आप उतने पेड़े बना सकते हैं। अब इस तरीके से हमें अपने रोटी को बेलना है। पहले और अब हम इसमें भरेंगे अपनी आलू की स्टफिंग। ऊपर से इसको बंद करने के लिए हम इसका थोड़ा सा आटा हटाएंगे, ताकि हमारे अच्छे से आलू की स्टफिंग इसके अंदर पैक हो जाए और हमारे पराठा बहुत ही अच्छा सा बने। यहाँ पे आपको इसको हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल बिल्कुल हमारा आलू का पराठा है। अब हम इसको तवे के ऊपर रख डालेंगे। तवे को यहाँ मैंने पहले ही गरम करके रखा हुआ है, और इस पर हम अपना पराठा डाल देंगे। पहले तवे का गरम होना इधर आपका बहुत ज़रूरी है। आपको तवे को थोड़ा सा गरम करना है, ज़्यादा भी गरम नहीं करना कि आपका पराठा जल जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको गरम करके रखना है। पहले एक साइड से हमारा पराठा हो जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह हो जाए। हम इसको ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे। ऑयल, घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें इसमें यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी साइड से भी हम इसको ऑयल लगा देंगे। मेक श्योर कि आपका पराठा अच्छी तरह से सिक जाए दोनों साइड से और बिल्कुल कच्चा ना हो। इसको स्टार्ट में आपको बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। एक तो आपकी जो आलू की स्टफिंग है अच्छी तरह वो भी अंदर से पक जाएगी। वैसे जो हमारे आलू उबले हुए हैं, गले हुए हैं, वो भी अंदर से अच्छी तरह से हो जाएगी और आपका पराठा भी बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखें एक साइड से माशाल्लाह से देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन सा, और ये बहुत क्रिस्पी सा बना है। दूसरी साइड से भी ऐसा हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी पराठे तैयार कर लेंगे। जी तो यहाँ बिल्कुल रेडी हैं हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, सलाद के साथ, अचार के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे सब लोगों को। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।